बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर वाफिया से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करती हूँ कि आप सब लोग अपने अपने घरों में अपने प्यारों के साथ खुश आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, आमीन सुम आमीन। तो चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। आज हम बहुत ही मज़ेदार सा केक बना रहे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा आसानी से बन जाता है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनता है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके लिए मैंने 2 कप मैदा लिया है। मैंने यहाँ ये मेजरिंग का यूज़ किया है, 1 कप चीनी और 1 कप ही ऑयल लिया है। 2 चम्मच यहाँ बेकिंग पाउडर के लिए हैं, कुछ नट्स लिए हैं और 2 अंडे लिए हैं। इसको मैंने सबसे पहले इसका मिक्सर रेडी कर लेंगे। तो मैं विदाउट कैरेक्टर के बना रही हूँ। आप मिक्स की जार में बहुत ही अच्छा कार्ल फ्राक्स वाश वाला केक बना सकते हैं। तो 2 अंडे सबसे पहले मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ और साथ ही मैं चीनी और जो ऑयल है वो भी इसके अंदर डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। ट्विटर के बगैर आप बहुत ही आसानी से केक बना सकते हैं। ये थोड़ा सा आपको हाथ के साथ ज़रूर मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन केक बहुत अच्छा और सॉफ्ट बन जाएगा। अगर आपके पास मिशन नहीं है तो आप इसको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही बहुत अच्छा सा केक बना के इंजॉय कर सकते हैं। इस साल इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। और इसके बाद हमने यहाँ 2 कप मैदा लिया है जिसको मैंने अच्छी तरह से छान लिया है और इसमें मैंने 2 चम्मच बेकिंग पाउडर के ऐड कर दिए हैं। और यहाँ मैंने मेजरिंग स्पून यूज़ किया है, और अगर आपके पास स्पून मौजूद ना हो तो आप 2 खाने वाले चम्मच इसमें बेकिंग पाउडर के ऐड करेंगे और 2 कप इसमें मैदे के ऐड करेंगे। अच्छा जी, जो आइन इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद जो मैंने बैटर रेडी किया था इसको इसमें मिक्स कर दूंगी। और इसको इसमें डालने के बाद इसको हमने अच्छी तरह मिक्स करना है और सारा जो मिक्सर है वो हमारा यकजा हो जाएगा और कोई किसी किस्म की लमस कुछ भी नहीं रहेगी जी। इसमें थोड़ी सी आपको हाथों की जहमत करनी पड़ेगी और थोड़ा सा आपको इसको हिलाना पड़ेगा, लेकिन टॉप का केक बनेगा और बहुत ही सॉफ्ट बनेगा। इस तरह से जो मिक्सिंग है वो बहुत अच्छी तरह से करनी है। जितनी आप अच्छी मिक्सिंग करेंगे इसका केक इतना ही अच्छा ज़्यादा सॉफ्ट बनेगा। स्पंज बहुत ज़्यादा अच्छा बना था, जो केक है वो हमारा सॉफ्ट भी ज़्यादा था और तो बिल्कुल आपको ऐसे लग रहा था जैसे हमने किसी ब्रेक से या किसी शॉप से परचेज किया हो। तो आप भी थोड़ी सी मेहनत करके बहुत अच्छा केक बना सकते हैं। कुछ किशमिश ऐड कर रही हूँ, 10 से 15 मिनट हाई फ्लेम। फिर इसके बाद मैंने जो अपना बैटरी बनाया था वो वाला मोल्ड इसके अंदर रख दूंगी और जो मोल्ड है इसमें पतीली के अंदर बहुत ही अच्छी तरह से पूरा आ गया है। नीचे मैंने बजरी बिछाई थी और मैंने अपना पिज़्ज़ा बैक वाली वीडियो में इसको डिटेल में बताया था कि आप पतीले को कैसे परहेट करते हैं। तो आपने अगर वीडियो को नहीं देखा तो आप ज़रूर देखिएगा। केक हमारा बैक हो रहा है और हमने इसे अब इसको तैयार कर लेंगे, जिसके लिए मलाई तो इस मलाई ली है और इसको एक पैन में लिया है और मैंने 1 कप फुल फ्रेश मिल्क लिया है। आप यहाँ ये किंडस मिल्क वेबोरेटेड मिल्क यूज़ कर सकते हैं। इसमें मैंने नीडो का पैक होता है वो वाला मैंने इसके अंदर एक ऐड कर दिया है। खुश्क दूध जो होता है, ड्राई मिल्क अच्छा, नीडो रिकमेंडेशन की यही है। नीडो की जगह कोई और भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन यही है कि अगर आप किसी मलाई का केक बनाएं तो आप इसमें जो दूध है वो नीडो का यूज़ करें। अच्छा जी, हम बहुत डिफरेंट सा बना रहे हैं। ये यूट्यूब है, इसको पहली ऐसी रेसिपी नज़र आ रही है जिसमें ऐसा मलाई केक बना रही हूँ और बहुत ज़्यादा डिलीशियस बनता है। सिंपल लजीज का रस मलाई पैकेट वाला यूज़ किया है और आप यकीन जानिए इसका टेस्ट इतना मज़े का आता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी आया है। अच्छा जी, इसको हम अच्छी तरह से पका कर यकजान कर लेंगे। और यहाँ मेरे केक को 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। मैं चेक कर लूँगी कि केक में बिल्कुल अच्छी तरह से 15 मिनट इसको लगा हुआ है और ये बैक हो गया है। ओवन से भी कम टाइम लेता है। पतीले में जब हम केक पैक करते हैं तो हमने इसको बाहर निकाल लिया है और बंटी पेपर भी बहुत ही आसानी से रिमूव हो जाता है, बटन पेपर बहुत आसानी से रिमूव हो जाता है। आप देख सकते हैं कि मेरा केक कितना अच्छा बैक हो गया है, स्पंज कितना अच्छा बना है और मलाई
अमेजी वो भी रेडी हो गई है। तो मैंने इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दिया है। बलाई रस मलाई और एक पैकेट रेड कार्ड करने के बाद मैंने 2 से 3 मिनट इसको पकाया था। अच्छा जी, इसको केक गर्म गर्म केक के ऊपर जितनी भी हमारी बलाई है वो हम ऐड कर देंगे और आप यकीन नहीं कर सकते, ये अंदर तक ऑब्जर्व हो जाती है और केक कुछ ऐसे ही हम खाते हैं क्रीम वो अंदर मुँह के अंदर तक घुल जाती है और उसका नाम बहुत मज़े का फ्लेवर आता है जो कि किसी भी क्रीम के फूड केक का नहीं आएगा। आप प्लीज़ रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल पर। इसको बहुत ज़्यादा डिफरेंट यूनिक और बजट फ्रेंडली रेसिपीज मिलती रहेंगी जो कि आप लोगों के लिए बहुत सोशल होंगी। और मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।